पूरा देख ही लिया, काफी सारे यूट्यूबर से मिलना हो गया एक दूसरे से, सबको सबसे फर्स्ट टाइम मिले बहुत सारे क्रिएटर से एंड बहुत अच्छा लगा। एंड विजय जी ने काफी अच्छा इंतजाम भी किया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा पंडाल वंडाल डीजे खाना सब कुछ अच्छा था। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, काफी थक चुके हैं, अभी फ्रेश होंगे, कपड़ा चेंज करेंगे भाई। एंड ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी और ब्लॉग पे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। दोस्तों आज हम डीजे रिया ब्लॉग के बारे में बताएंगे। उनको लड़का हुआ है, मतलब लड़का जन्म हुआ है, और पहले एक लड़की थी, अभी एक ऊपर वाले के दुआ से, आप लोगों को दुआ से एक लड़का हुआ है। तो दोस्तों हम बहुत खुश हैं और अब बधाई देना चाहते हैं। तो हम सोचा हम सऊदी अरब में हैं, विजय रिया ब्लॉग भैया जी और हैं इंडिया में, तो हम यहीं से वीडियो के माध्यम से हम भी बधाई देना चाहते हैं और आप लोग भी बधाई दे दीजिएगा मेरे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आज बहुत सारे यूट्यूबरों से आपसे मुलाकात करवाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर का तो पूरा महाकुंभ लगा है। तो चलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और देखिएगा, क्लिप आपको हम दिखाएंगे बहुत ज़बरदस्त। और मनोज दे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं मेरे दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। और इधर देखिए मोंटी कब आ गया है, अभी तक फोन में बात हुआ था हमारा सुबह, तब नहीं बोला कि हम जा रहे हैं, हमें भी पता नहीं तो उसको भी पता नहीं, अभी आ करके देख। चलिए अभी फिलहाल आ गए भाई, तू भी तो बताया नहीं यार कि हम आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं पता था। ये रही भाभी जी हमारी, विजय जी कहाँ चले गए? चलिए बहुत बहुत बधाई, नमस्ते। विजय कहाँ गए? आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, बेचारा परेशान हो गया ना। तो बाबू का भी ले ली है गोदी में, ये देखिए न्यू बाबू, ऐसे चेहरा अभी नहीं दिखा रहे हैं, वो विजय जी के ब्लॉग में आप लोग को रिवील हो जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ बोला था कि क्या क्या चीज़? हाँ तो भाई यहाँ पर यूट्यूबर का तो देख सकते हो महाकुंभ लग गया है, जब किसी यूट्यूबर के घर में कोई ओकेशन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पर यूट्यूबर का भीड़ लगना अनिवार्य होता है, जो कि ऐसा ही है। सारे यहाँ पर जितने देख रहे हैं सबका चैनल है, सबको इधर देखिए ब्लॉग वगैरह बन रहा है, इधर शिवानी भी आई हुई है। लड़का बाबा में ऐसा लग रहा शादी ब्याह हुआ है। हाँ ऐसा ही लग ही नहीं रहा ना कि छठियारी है, सही बात। हम भी अपने ब्लॉग में यही बोल रहे हैं कि लग रहा है जैसे शादी है। वो विजय जी को थैंक यू बोलना चाहिए, हेड्स अप करना चाहिए कि इतना कुछ अच्छा अरेंजमेंट किए हैं, देख रहे हैं ना, लग रहा शादी ही है भाई। विजय जी फिर से शादी कर रहे हैं क्या, डाउट हो रही भाभी जी हमारी। चलिए बहुत बहुत बधाई। विजय कहाँ गया? तो बाबू का भी ले ली है गोदी में, ये देखिए। हाँ तो भाई यहाँ पर यूट्यूबर का तो देख सकते हो महाकुंभ लग गया है, इधर शिवानी भी आई हुई है। लड़का बाबा में ऐसा लग रहा शादी ब्याह हुआ है। हाँ ऐसा ही लग ही नहीं रहा ना कि छठियारी है, सही बात। इसी बीच हमारे स्टेज के मनोज सर साथ में ज्योति श्री भाभी आए हुए हैं, फाइनली बच्चे का फेस रिवील हो रहा है। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो गाइस आज हम लोग मॉर्निंग में एकदम रेडी हो गए हैं, इधर मम्मी भी रेडी है, ज्योति भी रेडी है, पापा भी रेडी हैं और गोलू, हम लोग सब आज जा रहे हैं विजय रिया ब्लॉग्स, आप लोग जानते होंगे विजय भाई के घर, क्योंकि उनका लड़का हुआ है तो उनका छठियारी है, तो छठियारी है तो हमें इनवाइट किया था, तो हम लोग तो दिल्ली में थे लेकिन परसों घर आ गए, तो आज घर में ही थे तो सोचे चलो घूम के आते हैं। एंड काफी सारे वहाँ पर ब्लॉगर्स आए हुए हैं, जो यूट्यूबर्स लोग हैं, कपल वाले ज्यादा मैक्सिमम आए हैं ना, तुम ज्यादा पहचानती है, हम तो नहीं जानते, हम मतलब उतना किसी को नहीं जानते, कपल वाला ब्लॉग हम उतना नहीं देखते हैं, बट विजय भाई को जानते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, उनका घर बहुत दूर है गोला धनबाद से, ढाई तीन घंटा लग जाएगा लग रहा है, ढाई घंटा तो लगेगा ही जाने में, एंड जाकर के देखते हैं कैसा क्या इंतजाम किए हैं वो जाकर के देखते हैं। एंड चलिए अभी अंकित का वेट कर रहे हैं, गाड़ी वॉश करवाने गया है, आ रहा है। तो फाइनली ये अपना कार आ चुका है हैरी, वॉश हो करके मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, वैसे बहुत बारिश का सीजन है तो गंदा तो है ही। चलिए अभी फिलहाल निकलते हैं, गाड़ी अभी तुरंत वॉश करके अंकित लेकर आया, लेकिन कोई बोलेगा कि वॉश करके आया क्यों, पता है अभी बारिश हो रहा था, ये देखिए तुरंत फिर इतना गंदा हो गया इसका, घर से आते आते मतलब 2 किलोमीटर में। चलिए खैर जो भी हो चलते हैं। तो अभी गाइस हम लोग आए हुए हैं बिहारी लाल चौधरी केंद्रवा में, ये दुकान है जहाँ पर ले रहे हैं छोटे से बाबू के लिए कपड़ा, और चांदनी के लिए भी ले रहे हैं, उसकी दीदी जो कि विजय भाई का बेटी है, तो दोनों के लिए कपड़ा ले रहे हैं।
बाबू के लिए तो ले चुके हैं, अभी उसके दीदी के लिए ले रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर, वो अच्छा लग रहा है। हाँ, और दो चार को देख लो। चलिए यहाँ से कपड़ा लेंगे, बाबू के लिए ये वाला लिए हैं, दिखा दो ना थोड़ा। ये देखिए सुंदर लग रहा है। चलिए तो फाइनल गाइस, अभी हम लोग पूरे 3 से 3.5 घंटा चलने के बाद पहुंच चुके हैं विजय भाई के घर के पास। कार हमने वहां पे शिवानी दीदी से भी आपको मुलाकात होगा, तो आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, आपको पता ही होगा, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। शिवानी दीदी हैं, विजय रिया भैया हैं, और विजय रिया भैया इतना फैशन किए थे कि बहुत सारा उसने पैसा खर्च किया होगा। हमारे अंदाज से तो 8-9 लाख तो खर्च होगा उनका, कम से कम उस लड़का के छठ में। हम लोग छठी बोलते हैं और वो लोग छठ बोलते हैं। और मुकेश साहनी जी आए थे, हमारे बिरादर, वो भी गए थे, शिवानी जी भी गई थी, बहुत सारे यूट्यूबर। आप लोग देखोगे तो आपका होश ख़राब हो जाएगा, कितने सारे यूट्यूबर, महाकुंभ लग गया था दोस्तों। तो हम यहीं से बधाई देना चाहते हैं उनके बच्चों को, कि भगवान उनके बच्चों को जब तक समुंदर में पानी रहे, जब तक उनके बाल बच्चे की जिंदगानी रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। मेरे दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। अगर विजय रिया भैया अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर दुआ देंगे, कमेंट कर देना। शिवानी दीदी आप भी कमेंट कर देना, और मनोज दे सर भैया तो आप बड़े क्रिएटर हैं, आपको तो हम बोलेंगे ही नहीं कि कमेंट करो ना करो। तो आपसे ज़रूर, आप लोगों से हम मिलेंगे जब आएंगे इंडिया में, तो सभी यूट्यूबरों से मिलेंगे, और मुकेश साहनी हैं उनसे भी मिलेंगे, सभी से मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक जय हिंद जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो मेरे दोस्तों।